बिग बॉस 18 का पहला टीजर हो चुका है दोस्तों आउट। इस बार की जो थीम है वो होने वाली है दोस्तों पूरी तरह से टाइम ट्रेवल पर आधारित होगी, और इसके अकॉर्डिंग आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा बिग बॉस यानी कि सलमान खान जो है इस बार घर वालों की भविष्य देखेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट जो है इस बार आगे जाने के लिए पूरी तरह से काबिल है और कौन सा कंटेस्टेंट काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इस छोटे से टीजर ने फैंस और ऑडियंस के दिलों की जो एक्साइटमेंट लेवल है बिग बॉस को देखने की उसे सातवें आसमान पर कर दिया है दोस्तों। आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, एक तरफ जहां टीजर सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताना चाहते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट, जिस अपडेट में आप सभी दर्शकों के सामने बताने वाले हैं 6 बड़े खुलासे जो हैं वो करने जा रहे हैं, जो हर एक बिग बॉस के फैंस जो हैं इसे देखना और जानना जो है इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के खास रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों के सामने यही बात बताएंगे पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बिग बॉस 18 के एक खास क्लोज सोर्सेस ने हमें ये जानकारी जो दी है उसके अकॉर्डिंग पहला खुलासा होने वाला है टीआरपी बढ़ाने की। मेकर्स इस बार हर एक मुमकिन प्रयास करने वाले हैं, साम दाम दंड भेद हर एक नीति को जो है वो अपनाने वाले हैं, और इस बार टीवी ही टीवी जो है देखने को मिलेगा। वैसे तो बीते 2 सीजनों की हम बात करें तो ऑनलाइन टीआरपी तो काफी अच्छी खासी आती थी, लेकिन जो टीवी की जो टीआरपी है, बार्क जो रिपोर्ट है उसमें बिग बॉस कुछ खास कमाल जो है वो नहीं कर पाता था। सीजन 14 लास्ट था जिसमें टीआरपी जो है भर भर कर आया करती थी। इसके बाद बिग बॉस 16 भी काफी अच्छा किया, लेकिन बिग बॉस सीजन 17 और बिग बॉस ओटीटी सीजन 3-2 ये जो मतलब कुछ ऐसे शोज हैं मतलब बिग बॉस के जो कि अच्छे खासा प्रभाव नहीं डाल पाए ऑडियंस के दिल और दिमाग में, और इसी वजह से इस बार मेकर्स जो है टीवी की ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करना चाहती है क्योंकि बार्क रिपोर्ट में उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, और इसी वजह से टीवी के बड़े बड़े स्टार्स जो हैं इस बार लेकर आ रहे हैं, जैसे कि निया, धीरज धूपर, कनिका मान, नायरा बनर्जी जैसे बड़े बड़े स्टार्स जो हैं इस लिस्ट में शामिल है। अब दूसरा खुलासा क्या होने वाला है, क्रिएटिव टीम जो है पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। क्रिएटिव टीम्स लास्ट 2 बार की हम देखें तो क्रिएटिव टीम्स जो हैं कोई ना ढंग का टास्क करवाते थे और ना ही ढंग का कॉन्सेप्ट उनका था। इस बार की जो थीम होने वाली है वो पूरी तरह से अलग होने वाली है, और इस बार जो क्रिएटिव टीम्स होने वाली है वो पूरी तरह से बिग बॉस मराठी के तर्ज पर जो है वो ली गई है। बिग बॉस मराठी की जो क्रिएटिव टीम है वो बिग बॉस का 18वां सीजन को भी संभालने वाले हैं, क्योंकि बिग बॉस का मराठी सीजन जो है बहुत ही अच्छा कमाल कर रहा है, बैक टू बैक बहुत ही अच्छा धमाल मचा रहा है दोस्तों। तो ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है और क्रिएटिव टीम्स पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। तीसरी जो बड़ी अपडेट है, इस बार सलमान खान का डायरेक्ट वार जो है कंटेस्टेंट्स पर होगा, नो मतलब कोई भी बख्शेंगे नहीं सलमान खान इस बार। इस बार जो कंटेस्टेंट जहां गलती करेंगे इस बार वही पर जो है सलमान खान उसी वीकेंड के वार के एपिसोड में आएंगे, ना सिर्फ आएंगे बल्कि कंटेस्टेंट की वाट भी लगाने वाले हैं। तो ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है। अब चौथी जो बड़ा खुलासा है वो खुलासा है नो मिनिमम गारंटी। हर बार जो है कंटेस्टेंट्स को मिनिमम गारंटी मिला करती थी और कंटेस्टेंट चाहे परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन पॉपुलर जो कंटेस्टेंट है उनको बिग बॉस 18 मतलब बिग बॉस के जो मेकर्स है आगे बढ़ाना उनका काम था बिग बॉस के मेकर्स का, लेकिन इस बार कंटेस्टेंट को मिनिमम गारंटी नहीं मिलेगी। इस बार जो कंटेस्टेंट जहां गलती करेगा
एंटरटेन अगर नहीं करेगा, ऑडियंस से कनेक्ट अगर नहीं कर पाएगा, तो चाहे वो कितना भी बड़ा पॉपुलर कंटेस्टेंट क्यों ना हो, वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये चीज जो है वो निकल कर सामने आ रही है। पांचवा जो है कंटेस्टेंट का फ्यूचर इस बार बिग बॉस के हाथ में होने वाला है। जैसे कि थीम और प्रोमो में इस बारे में खुलासा हो चुका है और सामने आ चुका है, जानकारी मिल चुकी है कि इस बार कंटेस्टेंट की भविष्य जो है बिग बॉस देखेंगे, यानी सलमान खान देखेंगे, और सलमान खान ही डिसाइड करेंगे कि कौन से कंटेस्टेंट घर में रहने के लायक है और कौन से कंटेस्टेंट घर में रहने के लायक नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है, इस बार सीजन 13 की तरह होगा शो में दो फिनाले। जी हाँ, सीजन 13 बिग बॉस का 13वां सीजन तो आप सभी दर्शकों को याद होगा, सिद्धार्थ शुक्ला के लिए जो जाना जाता है सीजन, वो सीजन दो दो फिनाले हुए थे और इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार भी ऐसा ही धमाल जो है आपको देखने को मिलेगा, तो डबल धमाका आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ खुलासे हैं जो कि बिग बॉस OTT मतलब बिग बॉस 18 से जुड़े हो रहे हैं और हमने आपके सामने कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं। दोस्तों तब तक के लिए बने रहे हमारी YouTube चैनल के साथ, हिंदुस्तान क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।